हमीरपुर में कुरारा थाना क्षेत्र का ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। यहाँ एडमिट कराए गए ये सभी बच्चे लल्ली गडेरा गांव में प्राइमरी स्कूल के छात्र हैं। आज सुबह जब ये सभी स्कूल पहुंचे तो अचानक इनकी तबीयत बिगड़ गई। एक साथ 40 बच्चों की तबीयत बिगड़ने से विद्यालय प्रशासन घबरा गया और इन सबको लेकर कुरारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचा है। यहाँ के डॉक्टरों का कहना है कि इन बच्चों को ठंड का असर हुआ है। बच्चों को ठंड की एक दो दिन से तकलीफ थी, उससे जुकाम, किसी किसी को खांसी, और जो मैंने देखा कि बच्चे ठीक तरह से कपड़े नहीं पहने थे और सर्दी इधर फिर से बढ़ी है। आज भी शायद कोहरा अच्छा खासा था, तो इसमें मेन प्रिकॉशन है, दवा तो दे दी गई जो सिम्टम के हिसाब से, बाकी ये प्रिकॉशन रखे हैं कि कपड़े ठीक से पहन के कम से कम सुबह शाम तो ठीक से पहने ताकि ये चीज बढ़े नहीं। कितने बच्चे अभी तक आ चुके हैं बीमार? करीब 35 बच्चे। कुछ बच्चों की तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया है। बच्चों के अभिभावकों का कहना है कि बच्चों को ठंड लगी है, इसी वजह से बच्चे बीमार हुए हैं। स्कूल प्रशासन ने अभी तक ना तो स्वेटर दिया है और ना जूता मोजा। बीमार मतलब हो गए हैं, इनको जिला अस्पताल द्वारा लाए हैं, मतलब जुकाम खांसी बुखार। क्या चाहते हो? मतलब बच्चों को सर्दी लगती है तो उनको स्वेटर वगैरह कुछ नहीं मिल पा रहा, बच्चों को नहीं, माता पिता गरीब आदमी नहीं पढ़ा पाते उनके लिए कुछ अगर। तो इनकी सर्दी से वजह से तबीयत स्कूल में ख़राब हो गई, और बड़ा दुर्भाग्य है कि स्कूल प्रबंधन और प्रशासन की तरफ से सर्दी को लेकर कोई भी व्यवस्था नहीं, कम से कम स्कूल में अलाव की व्यवस्था होनी चाहिए वो भी नहीं है। और मैंने जहाँ तक सुना है कि बच्चों के लिए स्वेटर जूते मोजे आते हैं वो भी उनको उपलब्ध नहीं कराए गए। बड़ी प्रबंधन की लापरवाही है और प्रशासन बहुत ही मतलब संवेदनशील है किसी भी प्रकार की। अभी पिछली भी घटना हो चुकी है लेकिन उसके बावजूद बीएसए अधिकारी शिक्षा विभाग में कोई बदलाव आया नहीं है। सूबे सहित बुंदेलखंड इलाके में भी कोहरे और गलन भरी ठंड का सितम जारी है, लेकिन अभी तक स्कूल के बच्चों को स्वेटर नहीं दिए गए हैं। आज जो बच्चे बीमार हुए हैं उनके पास भी स्कूल की तरफ से दिया जाने वाला स्वेटर अभी तक नहीं मिला है। इस मामले में बेसिक शिक्षा अधिकारी का कहना है कि जल्द ही स्वेटर बंटवा दिए जाएंगे। 3 तारीख को जो शासनादेश हुआ है 3 जनवरी को, उसमें 1 महीने का टाइम दिया गया कि 1 महीने के अंदर जो है स्वेटर बंटवा दिए जाए, तो हम जनवरी में जो है स्वेटर बंटवा देंगे। ठंड खत्म हो जाएगी फरवरी में, तो स्वेटर बटेंगे तो क्या बच्चों क्या फायदा मिलेगा? अब ये तो शासनादेश ही है, अभी हुआ 3 जनवरी 2018 को ये शासनादेश हुआ कि स्वेटर जो है अब विद्यालय प्रबंध समिति के माध्यम से बांटे जाएंगे। अब हमारे पास पैसा भी भेज दिया है उन्होंने, 50% पैसा भी भेज दिया, तो अब हम आज विद्यालयों में पैसा भी भेज रहे हैं और हमने 4 तारीख से जो है इसका उद्घाटन भी करा दिया जिलाधिकारी महोदय। ठंड का सितम अभी जारी है लेकिन स्कूल की तरफ से मिलने वाला स्वेटर फरवरी तक बांटा जाएगा। जब बुंदेलखंड इलाके में ठंड खत्म हो चुकी होगी तो फिर ये बच्चे मिलने वाले स्वेटर का क्या करेंगे? क्या उन स्वेटरों को शोकेस में सजाया जाएगा? न्यूज डेस्क, न्यूज 75.in।